करक में चोरी और दीगर वारदातों का सिलसिला न रुक सका। दो दुकानों को लूटकर लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी कर लिया गया। चोरी और दीगर वारदातों के खिलाफ ताजरों ने आग लगाकर सड़क को बंद कर दिया। एहतजाज की वजह से तमाम कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि करक में चोरी और दीगर वारदातों का सिलसिला न रुक सका। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इब्रार, मजीद उन्हीं से जानते हैं। एहतजाज की वजह से तमाम कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए हैं। इब्रार बताइएगा, इनके मुतालबात क्या हैं? जी बिल्कुल, करक में चोरी और दीगर वारदातों का सिलसिला रोक ना सका। तख्ते नसरती में रातों रात दो दुकानों को लूट लिया गया। चोरों ने लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी कर लिया। चोरों और दीगर वारदातों के खिलाफ ताजर बहादरी का कचहरी के सामने आग लगाकर दरातंग रोड को बंद कर दिया। एहतजाज की वजह से तख्ते नसरती में तमाम कारोबारी मराकज बंद है। मुजाहरीन ने पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार किया है और पुलिस पर पश्त पनाही का इल्जाम भी लगाया है। इसके अलावा एहतजाजी मुजाहरे में मुजाहरीन की तरफ से पुलिस मुर्दाबाद और DSP मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मुजाहरीन का मुतालबा है कि इन चोरी जैसे वारदातों की इंक्वायरी की जाए और चोरों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। जी जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद इब्राहिम।